हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहायक योजक योगी को कर रहे थे। आज अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। उसी चैप्टर में आपके जो उप सहायक योजक योगी होते हैं उनका आईपीएससी नामकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में आप लगाइए हेडिंग उप सहायक योजक योगी को का आईपीएससी नामकरण। तो आज का टॉपिक अपना उप सहायक योजक की जो आपके यौगिक होते हैं उनका अपन आईपीएससी नामकरण देखते हैं। देखो आपको पता है आईपीएससी एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस संस्था ने क्या किया है कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उप सहायक संयोजक यौगिक होते हैं उन सबके लिए कुछ रूल्स निर्धारित किए गए, कुछ नियम निर्धारित किए हैं कि आपको उनका नाम किस प्रकार लिखना है। उन्हीं रूल को फॉलो करोगे आप और इन कंपाउंड्स का आप नाम लिखने वाले हो। तो देखिए मैं कुछ रूल्स बता रहा हूं इसके लिए, यदि वो रूल्स आपने देख लिए, इससे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, आपको लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए। यदि लिगेंड के बारे में आपको पता है पूरा डिटेल से तो आप आराम से नामकरण कर पाओगी। इसके लिए जरूरी है कि आपको रूल्स पता होने चाहिए, इसके रेगुलेशंस क्या क्या है वो आपको पता होने चाहिए। तो यहां पर देखिएगा मैं रूल लिखने जा रहा हूं आईपीएससी नाम लिखने के लिए। देखना रूल नंबर फर्स्ट अपने को ये कहता है कि यदि आपके पास में कोई संकुल योगिक ऐसा हो जिसमें धनायन भी उपस्थित हो, जिसमें ऋणायन भी उपस्थित हो, तो उसका नाम लिखने के लिए एक बात को हमेशा ध्यान रखना, धनायन का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा और ऋणायन का नाम सबसे बाद में लिखा जाता। कोई मान लो कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें आपके पास में केटायन भी दे रखा हो और उसमें आपको एनायन भी दे रखा हो, यानी सी का मतलब धनायन है और ए का मतलब आपका एनायन ऋणायन है, यानी सी तो क्या है यहाँ पर कोई धनायन की बात कर रहा है और ए यहाँ पर जो बात कर रहा है ये एनायन या ऋणायन की बात कर रहा है। सबसे पहले जो नाम लिखा जाएगा वो इस धनायन का नाम लिखा जाएगा और ऋणायन का नाम हमेशा तत्पश्चात लिखा जाता है। जैसे आप कॉमन रूप से देखते भी हो, क्या देखते हो, जैसे NaCl को आप देखते हो तो आपने देखा होगा इसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। कारण क्या है इसका, क्योंकि यहां पर जो Na होता है ये कैसा होता है, ये धनायन होता है और ये जो Cl होता है कैसा होता है, ऋणायन होता है, इसीलिए धनायन का नाम सबसे पहले लिखा गया। क्या बोला गया सोडियम और Cl को क्या बोला गया यहां क्लोराइड। तो एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिएगा आप लोग, धनायन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद में आने वाला जो आपका ऋणायन होता है उसका नाम लिखा जाता है। यदि ये बात समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप लिखते हो ना इसे MgCl2 लिखती हूं, तो धनायन मैग्नीशियम है और ये Cl2 क्लोराइड ऋणायन है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड आप इसका नाम लिखते। क्लियर है यहां तक? तो पहला पॉइंट ये कहता है अपने को धनायन का नाम सबसे पहले और ऋणायन का नाम सबसे बाद में। पहला पॉइंट नोट कर लेना आप आराम से, धनायन का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा और ऋणायन का नाम सबसे बाद में लिखा जाता। ये तो कॉम्प्लेक्स की बात तब आई जब आपके पास उसमें धनायन हो उसमें ऋणायन हो तब आई ये बात। यदि आपके पास में कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा हो, कोई संकुल ऐसा हो जो उदासीन हो जिस पर किसी प्रकार से कोई चार्ज नहीं, तो ध्यान रखना उदासीन संकुल है, उदासीन संकुल का नाम जो का त्यो रखा जाता है, मतलब उसके नाम में अपन किसी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है उदासीन संकुल का जब भी नाम लिखा जाता है। अब आप तो जानते हो कि ये मेरे पास में मेटल होता है और ये यहां पर ये लिगेंड होता है, मैंने यहां पर N कोई नंबर लिखा है, यानी ये समन्वय मंडल आपको दिखाई दे रहा है। एम का मतलब ये किसी धातु के बारे में बता रहा है और L का मतलब भी किसी लिगेंड के बारे में बता रहा है और N क्या है, कोई लिगेंड की संख्या है। अब देखो ये आपका क्या है यहां पर समन्वय मंडल आप इसको कहते, ये समन्वय मंडल है आपका और ये मंडल कौन सा मंडल आपका आयनिक मंडल है। अब एक बात ध्यान देना, समन्वय मंडल का मैं नामकरण करने जा रहा हूं। देखो समन्वय मंडल का नामकरण करने के क्या क्या नियम है वो नियम ध्यान दीजिएगा। इसमें देखो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, देखो धनायन ऋणायन का नाम तो आपका हो गया, अब यहां पर क्या करोगे आप लिगेंड का नाम लिखोगे।
तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लिगेंड का नाम लिखते हो, क्लियर है। और लिगेंड का नाम जब लिखते हो उससे पहले आपको यहां पर उस लिगेंड की संख्या पता होनी चाहिए, यानी कि लिगेंड के नाम से पहले लिगेंड की संख्या लिखी जाती है। एक बात ये ध्यान देना, धनायन और ऋणायन की संख्या का कभी उल्लेख नहीं किया जाता है कि आपके पास में कितने धनायन है, आपके पास में कितने ऋणायन है। तो एक ऊपर आप ये पॉइंट नोट कर लेना, धनायन और जो ऋणायन होते हैं उनकी संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता, यानी उनकी संख्या का आप यहां उल्लेख नहीं करने वाले। कभी भी धनायन की संख्या का और ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है, क्लियर। लिगेंड का जब नाम लिखा जाएगा तो लिगेंड है यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है जो आपका समन्वय मंडल है, यदि उसका नाम आप लिखते हो तो लिगेंड का नाम सबसे पहले, उसके बाद में संख्या लिखी जाती है, उससे पहले आप यहां धनायन का नाम लिखते हो। यदि आपके पास में क्या आ रहा हो, कोई धनायन आ रहा हो तो उसका नाम लिखा, संख्या लिखी, लिगेंड लिखा, ठीक है। समन्वय मंडल में संख्या लिखने के बाद में लिगेंड का नाम लिखा, लिगेंड का नाम जैसे ही आपने अब लिखा है यहां पर, अब आप क्या लिखोगे, उस धातु का नाम लिखोगे, धातु परमाणु जो आपको दे रखा है, यानी ये जो मेटल दे रखा है इस धातु परमाणु का नाम लिखोगे। धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद में आप क्या करते हो, कोई भी रोमन संख्या है मान लो 1 से लेकर 10 तक, आपको वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर देख लिया है, उस कॉम्प्लेक्स में जो ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसका ऑक्सीकरण नंबर देखना है, और उस ऑक्सीकरण नंबर को आप यहां लिखते हो किसमें, रोमन संख्या में लिखते, इसको आपको यहां पर रोमन संख्या में लिखना है, क्लियर। इस प्रकार आपको समन्वय मंडल का नाम है वो एक ही वर्ड में लिखना है, ध्यान दीजिए एक ही शब्द में लिखना है, उसके बीच में किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं देना है। लास्ट में नाम किसका आएगा, ऋणायन का आएगा। एक चीज नोट लगा के, नोट लगा के लिखनी क्या है, यदि आपके पास में ये समन्वय मंडल कैसा हो, ऋणायन हो, ध्यान दीजिए ये पूरा नेगेटिव चार्ज हो, इसके लिए जब धातु परमाणु का आप नाम लिखने वाले हो, धातु परमाणु का जब नाम लिखा जाएगा तो उसके अंत में क्या जोड़ दोगे, एट जोड़ दोगे, क्या जोड़ोगे, एट जोड़ोगे, ठीक है, धातु परमाणु के अंत में एट जोड़ोगे। यदि आपका ये संकुल कैसा है, धनायन है, तो इसके लिए क्या जोड़ोगे, ईएम जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, ईएम जोड़ोगे, क्लियर है। धनायन है तो ईएम जोड़ोगे, ऋणायन है तो एट जोड़ोगे। एक बात हो वो क्या, उदासीन जो संकुल होगा तो उसमें किसी प्रकार से चेंजेस नहीं करना, आई बात समझ। चलो एक लिगेंड का जब भी नाम लिखो तो लिगेंड यदि आपका ऋणायन हो, ध्यान दीजिए लिगेंड यदि आपका कैसा हो, ऋणायन हो, तो उसका समापन जब आप करते हो तो ओ लगा के करोगे, जैसे CO3 2- ऋणायन लिगेंड है, क्या लिखोगे इसके लिए, कार्बोनेटो, कार्बोनेट लिखोगे। इसी प्रकार कोई भी ऋणायन लिगेंड SO4- सल्फेटो, क्या लिखोगे, सल्फेट। ये तो ऋणायन लिगेंड हो का समापन हमेशा और हमेशा उसके अंत में ओ लगा के किया जाता है, कार्बोनेट तो कार्बोनेटो, सल्फेट सल्फेटो, ऐसे किया जाता है इसका समापन। अब कुछ एग्जांपल अपन करने जा रहे, उस एग्जाम्पल के आधार पर आप क्या बता दोगे, इसके बारे में पूरा डिटेल से बता दोगे। और नामकरण करना सबसे आसान है क्योंकि नामकरण से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपकी बोर्ड एग्जाम में, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, आप पिछले साल के पेपर्स वगैरह उठा के देख सकते हो, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहती। एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, चलो उदाहरण में ये मैंने लिखा K4 Fe CN6, क्लियर है। अब नामकरण करोगे तो एक तो आपको इस केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक पता होना चाहिए, क्लियर। एक आपको यह पता होना चाहिए सबसे पहले कि आपका धनायन वाला पार्ट कौन सा है, आपका ऋणायन वाला पार्ट कौन सा है, उसे आपको वो 8 EM लगाने में आसानी हो जाएगी। देखिएगा ध्यान से, केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सबसे पहले तो पोटेशियम एक पर होता है +1 चार्ज, चार पे कितने, 4
एफ ई की बात करोगे, इसके लिए क्या करोगे आप यहां पर एक्स लोगे काम। साइनाइड की बात करती हो आप, एक का माइनस वन होता है, छह का कितना हो जाएगा माइनस का छह, माइनस का छह बराबर क्या करोगे जीरो करोगे। फोर प्लस एक्स बराबर क्या करोगे छह करोगे, एक्स बराबर क्या करोगे सिक्स माइनस फोर, और एक्स बराबर क्या कर दोगे प्लस के दो कर देते। क्लियर है यहां तक, कोई समस्या नहीं। यहां पर आप क्या करोगे एक्स बराबर प्लस दो कर देते, इसका मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर आपके सामने आई है वो क्या निकल के आई है, एक्स बराबर प्लस दो निकल के आ गई है। यानी रोमन संख्या में जब आप इसको लिखोगे तो टू लिखने वाले। चलो अब आ जाते हैं नामकरण के नियमों की ओर। सबसे पहला नियम अपने को कहता था कि धनायन का नाम सबसे बाद में लिखा जाएगा, ऋणायन का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, लेकिन धनायन और ऋणायन की संख्या का कभी आपको उल्लेख नहीं करना है। ये धनायन है आपका, मतलब पोटेशियम पर प्लस होता है, इसका मतलब साइनाइड आपका नेगेटिव होता है, माइनस वन होता है, तो ये कैसा हो गया ऋणायन हो गया। यानी आपको ये पता होना चाहिए ये आपका पॉजिटिव हो गया तो ये पार्ट कैसा है, ये नेगेटिव। क्लियर है, ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाल लिया। अब धनायन का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, धनायन कौन सा है सोडियम है, तो इसका नाम लिख डालो आप, क्या लिखोगे सोडियम, ये मैंने यहां लिख दिया है सोडियम लिखा। अब देखो इसका नाम लिखना आपको समन्वय मंडल का नाम लिखना है, इसके बाहर जो आयनिक मंडल है इसका अपन ने नाम लिख दिया है। समन्वय मंडल का नाम आपको केवल एक वर्ड में लिखना है, इसके मध्य किसी प्रकार का कोई स्पेस आपको नहीं देना है। देखो लिगेंड कौन सा सीएल, क्या बोलते हो साइन, कितने हैं छह, छह के लिए शब्द क्या काम में लोगे उससे बात बता देता हूं। दो के लिए आपको शब्द यहां काम में लेना है डाई, तीन के लिए यहां शब्द आपको काम में लेना है ट्राई, चार के लिए आपको शब्द काम में लेना है टेट्रा, पांच के लिए शब्द काम में लेना है पेंटा, छह के लिए आपको शब्द काम में लेना है हेक्सा, बस आपको ज्यादातर यहां तक चलना है। इसका मतलब छह लिगेंड आपके जुड़े हुए हैं, छह लिगेंड जुड़े हुए हैं तो इसको क्या बोलोगे हेक्सा बोलोगे। और मैंने बोला था यदि लिगेंड आपका ऋणायन हो, लिगेंड ऋणायन हो तो उसके लिए क्या करते हो अंत में ओ लगा देते हो, क्या करोगे सोडियम, और यहां कर देते हो आप हेक्सा और साइन। ये जो समन्वय मंडल है ये पूरा नेगेटिव पार्ट है। अब देखो धातु कौन सी है फेरस, फेरस है ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है एट लगाना है अंत में, तो क्या करोगे हेक्सासाइनोफेरेट लिखा, हेक्सासाइनोफेरेट। लास्ट में रोमन संख्या में क्या करोगे ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, दो है तो रोमन संख्या में लिखना चाहोगे तो ये लीजिएगा, ये हो गया है आपका यहां पर रोमन संख्या में इसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है, एक एग्जांपल और करें, आइए देखते एक एग्जांपल, तो ये हो गया आपका एक एग्जांपल, अपन और करते। ये मेरे पास में सोडियम है, इस सोडियम के साथ में यहां सिल्वर जुड़ा हुआ है और यहां से AgCN2, ये कोई कॉम्प्लेक्स है। चलो अब देखो यहां पर ये वन होता है, ये होता है माइनस का टू होता है, ये वन होता है, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जीरो आने वाला है, कोई चार्ज नहीं आने वाला। हाँ जी, इसका मतलब ये पॉजिटिव पार्ट आपका, ये पार्ट कैसा है आपका नेगेटिव पार्ट, ये धनायन वाला पार्ट हो गया और ये पार्ट कैसा हो गया आपका ऋणायन वाला पार्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। इसका नाम लिखा जाएगा सबसे पहले सोडियम, संख्या को उल्लेख नहीं किया जाएगा, इसका नाम लिखा आपने क्या लिखा सोडियम। अब देखो ये आपका जो समन्वय मंडल है इसका नाम एक शब्द में लिखोगे आप, यहां पर ये सीएन को क्या कहते हो साइनो कहते हो, साइनो कहते हो, तो यहां पर आप लिखोगे डाई साइनो, डाई साइनो लिखा। चलो एजी सिल्वर होता है, अर्जेंटेनम बोलते हो इसको, अर्जेंटेट बोलोगे, क्यों बोलोगे क्योंकि देखो ये कैसा है नेगेटिव है पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया है, अर्जेंटेट बोलोगे इसको, अर्जेंटेट बोला। यहां तक नाम आपको स्पेस नहीं देना है नाम के दौरान। चलो यहां क्या करोगे सोडियम प्लस होता है वन, सिल्वर क्या होता है एक्स होता है, साइनाइड की बात करते हो तो माइनस का दो बराबर क्या करते हो आप जीरो कर देते। क्लियर है, वन प्लस एक्स बराबर दो, x बराबर टू माइनस का वन, x बराबर क्या हो जाता है ये प्लस का वन हो जाता है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। x बराबर क्या हो गया यहां पर आपका प्लस वन हो जाता है। अब देखना
इसका मतलब रोमन संख्या में इसका नाम लिखोगे तो क्या करोगे, अर्जेंटेट, और रोमन संख्या में इसको क्या लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा फर्स्ट। तो ये एग्जांपल आपके आ गया होगा अच्छे से समझ में। एग्जांपल और करें अपन, चलो एग्जांपल नंबर तीसरा देख लेना। ये के थ्री एफ ई सी टू ओ फोर का होल साइज, ये कोई कॉम्प्लेक्स मेरे को दे रखा है, के थ्री एफ ई सी टू ओ फोर का होल साइज। अब देखो C2O4 जानते हो आप, C2O4 क्या होता है आपका, ऑक्सेलेटो होता है, ये होता है आपका ऑक्सेलेटो, यानी इस प्रकार लिखते हो इसको आप, होता है ऑक्सेलेटो, ठीक है। रिनाइन है आपका ये लिगेंड, तो लगाते हैं लास्ट में, ओ लगाते, ओ का समापन करते, धनायन ये वाला पार्ट ये हो गया, ऋणायन वाला पार्ट ये हो गया, धनायन और ऋणायन की संख्या को उल्लेख नहीं करते हैं, बार बार नियम रिपीट कर रहा हूं मैं। क्या करोगे, इसका नाम लिखोगे, सोडियम लिखा, बीच में क्या लोगे, अब स्पेस दोगे, ये लिखा आपने यहां सोडियम, अब दिया आपने क्या, स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद में लिगेंड पर आओगे, लिगेंड में कितने हैं, ये ऑक्सेलेटो है, कितने हैं, तीन है, संख्या में तीन है, तो क्या करोगे, ट्राई शब्द काम में लोगे, सोडियम ट्राई, इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सेलेटो बोला जाता है, ऑक्सेलेटो, आई बात समझ में, ट्राई ऑक्सेलेटो, और ये नेगेटिव है, ये क्वांटिटी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या करो, इसको फेरेट करोगे, यहां पर स्पेस नहीं देना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखो पोटेशियम का कितना होता है, तीन होता है, इस Fe का क्या मानते हो, अक्ष मानते हो, एक ऑक्सेलेटो पर क्या होता है, माइनस दो चार्ज होता है, तीन ऑक्सीलेटो पर चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस का छह हो जाएगा, बराबर क्या करोगे, जीरो करोगे, थ्री प्लस अक्ष बराबर क्या करोगे, सिक्स करोगे, अक्ष बराबर क्या कर दोगे, सिक्स माइनस थ्री, और अक्ष बराबर यदि आप देखना चाहोगे तो क्या हो जाता है आपका, प्लस थ्री हो जाता है। इसका मतलब रोमन संख्या में क्या कर दोगे आप, यहां पर थर्ड लगा देते, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से नामकरण आप करते हो यहां पर। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां तक नोट करे, मेरे पास में कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। अब देखिएगा अपने पास में कुछ क्वेश्चंस है, अपन उनको आंसर करते हैं, उनका अपन आईपीसी नाम लिखते हैं। देखो पहला जो आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिव है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक अलग बात ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो इस पे चार्ज क्या दे रखा है आपको, माइनस का दो चार्ज दे रखा है। अब माइनस का दो चार्ज दे रखा है तो लास्ट में आप क्या करोगे, आयन शब्द काम में लोगे, क्योंकि इस पर आयन दे रखा है। इस कॉम्प्लेक्स पे क्या दे रखा है, आयन दे रखा है, इसका मतलब चार्ज दे रखा है, आवेश दे रखा है, तो लास्ट में जब आप लोगे इसके काम में, तो यहां पर आयन शब्द आपको काम में लेना है। आइए करते हैं इसका नामकरण, उससे पहले इसका अपन क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ज्ञात किसका करना है, निकिल का करना है, तो इसको अक्ष मानोगे, एक साइनाइड आपका होता है माइनस वन, चार कितने हो गए, माइनस के फोर, बराबर क्या, माइनस का दो, एक्स बराबर क्या करोगे आप यहां पर, माइनस का टू प्लस का फोर करोगे, और एक्स बराबर क्या निकल के आएगा, निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर आपका निकल के आ जाएगा टू। इसका निकिल सेकंड आयन में होने वाला है यहां पर। नाम किसका लिखोगे, लिगेंड का नाम लिखोगे, लिगेंड की संख्या का उल्लेख करोगे, क्या करोगे यहां पर, देखो यहां पर जब नाम लिखोगे तो टेट्रा चार है साइन, टेट्रा साइन लिखा, ये निकिल ये कैसा नेगेटिव होता है, निकलेट लिखोगे, क्या लिखोगे इसके लिए, एट शब्द काम में लेते हो ना, निकलेट, और क्या करोगे, निकलेट लिखा आपने। अब देखो यहां ये सेकंड फॉर्म में है तो सेकंड लिखा आपने ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में इस पर चार्ज देखो नेगेटिव दे रखा है, आयन की फॉर्म में दे रखा है, तो अब आप यहां क्या लिख दोगे, आयन लिख दोगे। बताइए देखिए ये चीज आई समझ में, ठीक है। आगे देखो इसका नाम लिखते, उससे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। देखो क्रोमियम की बात करोगे तो इसका मानोगे अक्स, एक क्लोरीन का माइनस वन, छह का कितना, माइनस का छह, बराबर क्या करोगे, माइनस का तीन करोगे, अक्स बराबर क्या आएगा आपका, उधर जाएगा ये माइनस का तीन प्लस का छह, और अक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का तीन, ठीक है। यानी क्रोमियम है वो प्लस थ्री स्टेट में यहां पर प्रेजेंट है। अब क्या करने वाले हो, तो इसका नाम लिखोगे लिगेंड आपका फ्लोरिन आपको दिखाई दे रहा है, इसके लिए क्या करोगे, फ्लोरो शब्द काम में लेते, तो इसका जब नाम लिखोगे तो आप क्या कर दोगे, हेक्सा फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो, ये क्रोमियम है तो इसको एट लगाओगे क्योंकि ये नेगेटिव है, तो क्रोमेट, हेक्सा फ्लोरो क्रोमेट,
ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, थर्ड आयन। क्लियर है? चलो अब देखना तीसरा वाला। अब देखो आप जो नामकरण करते थे, आईपीसी नामकरण करते थे, आपने पढ़ा होगा कार्बनिक यौगिकों का आईपीसी नामकरण, वहां पर आपके एक चीज समझ में आई थी क्या? वो क्या मैं बताने जा रहा हूं, देखिए। वहां पर आप जो नामकरण करते थे तो अल्फाबेट वाला जो ऑर्डर वो काम में लेते थे, अल्फाबेट जो वर्णाक्षर है अंग्रेजी के एबीसीडी वाले, उसके अकॉर्डिंग आप नाम लिखते थे, यानी जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखने थे। इसमें भी क्या है देखो, क्लोरो इसका मतलब सी और एमीन इसका मतलब ए, इसको एमीन बोल रहे थे लिगेंड में, तभी मैंने आपको बोला कि लिगेंड का नाम आपको याद रखना ही रखना है। ये आपका एमीन हो गया मतलब ए हो गया, ये क्लोरो हो गया मतलब सी हो गया। नाम किसका लिखा जाएगा इन दोनों में? एमीन का आएगा और उसके बाद में क्या आएगा? क्लोरो का आएगा। उससे पहले नाम लिखोगे तो इसमें धनायन दे रखा है, ये पॉजिटिव है आपका और ये कैसा है आपका? नेगेटिव है। धनायन का नाम सबसे पहले, धनायन का नाम सबसे पहले, ठीक है, धनायन का नाम सबसे पहले लिखोगे तो क्या लिखोगे आप यहां पर? पोटेशियम आपने यहां लिखा है, ठीक है, यहां पोटेशियम लिखा आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो स्पेस छोड़ोगे, बिल्कुल छोड़ोगे। अब देखो एमीन और क्लोरो, तो पहले क्या लिखोगे आप? एमीन लिखोगे, आपने लिखा एमीन, फिर क्या करोगे आप? एमीन ट्राई क्लोरो। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये कैसा है? नेगेटिव है। क्या करोगे? प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। अब क्या करोगे? अब आपको करना क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो पोटेशियम पर होता है 1, इसका ज्ञात करना है, इसका हो जाएगा -3, और एमीन जो होता है आपका उस पर कोई चार्ज होता नहीं है, ये क्या होता है? जीरो होता है, बराबर आपका जीरो। ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, फिर वापस ये एक आएगा तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल के क्या आता है आपका? 2 आता है। तो क्या कर दोगे यहाँ पर? सेकंड कर देते। बताइए ये चीज आई समझ में? तो बस रूल रेगुलेशन आपको पता होने चाहिए, यदि ये पता है तो नामकरण में कितना कोई हार्ड काम है नहीं। फिर देखो इस वाले के लिए करते, ये आपका क्या है? थायोसाइनेटो सल्फर लगा हुआ ना, थायोसाइनेटो। ये देखो एचजी प्लस होता है, ये कैसा होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर? तो कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्ट का हो जाएगा क्या? कोबाल्टेट हो जाता है। इसके लिए क्या करते हो? एचजी को बोलते हो आप, मरकरी कहते हो। तो इसके लिए लिखा जाएगा, तो आप नाम लिखोगे तो क्या करोगे? मरकरी कर दोगे। अब देखो मरकरी है और सीएनएस से आपका कैसा है? थायोसाइनेटो है। कैसा है? थायोसाइनेटो। अब देखना थायोसाइनेटो है, अब कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 है। इसके अलावा देखो ये 2 होता है, ये -4 होता है, इस पर -4 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकल के क्या आएगा इसका? सेकंड आता है कोबाल्ट का, कोबाल्ट यानी सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में। मरकरी लिखा आपने टेट्रा थायोसाइनेटो, क्या लिखोगे? टेट्रा थायोसाइनेटो, टेट्रा थायोसाइनेटो आपने लिखा, एक ही वर्ड में लिखना है। ये कोबाल्ट है तो इसको बोल दोगे कोबाल्टेट, क्या बोल दोगे? कोबाल्टेट और सेकंड। क्लियर है? चलो इस वाले पे आ जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स दे रखा आपको 6 है, सीओ का मतलब कार्बन। अब देखो अंतर समझना, ये बड़ा है ये छोटा है, इसका मतलब ये कोबाल्ट है और ये दोनों कैसे है आपके कैपिटल लेटर्स में है, ये कार्बोनिल है। क्या करोगे इसका नाम लिखोगे? तो देखो ये मेटल के साथ में जुड़े हुए होते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 0 होने वाली है, कार्बन पे चार्ज होता नहीं है तो 0 होने वाला है। क्या करोगे? हेक्सा कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल, और ये अब देखो ये कैसा है? सीओ है ना, और ये जो सीओ आपको दिखाई दे रहा है कोबाल्ट, इसको आप कहते हो, इसका मतलब ये न तो उदासीन है, सॉरी उदासीन ही है ये कैसा नहीं है, इस पर चार्ज वगैरह नहीं है, तो इसके लिए क्या करोगे? कोबाल्ट लिख दोगे और ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो 0 ही दर्शाओगे कोष्ठक में। पहले एक कॉम्प्लेक्स आपको ये दे रखा है ग्लाइसिन, ग्लाइसिनेटो, क्या बोलोगे इसको? ग्लाइसिनेटो। कितने हैं? 2 है। शब्द क्या लोगे काम में? डाई लोगे। क्या करोगे? डाई ग्लाई सी नेटो, इसके लिए आप बोल दोगे डाइग्लाइसी नेटो। कॉपर दिखाई दे रहा है, कॉपर। अब देखो ये ग्लाइसी नेटो कैसा होता है? CH2 NH2 और ये COO नेगेटिव होता है।
एक पे माइनस का वन चार्ज होता है, दो पे कितना हो जाएगा माइनस का टू हो जाएगा। इसका मतलब कॉपर तो आने वाला, वो सेकंड स्टेट में आने वाला है, कॉपर सेकंड, ठीक है। क्या हो जाएगा, डाई ग्लाइसिनेटो कॉपर सेकंड, एक ही वर्ड में इसका नाम लिखा जाने वाला, क्लियर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल अपन ने किए हैं, अभी और एग्जाम्पल देखते अपन एक दो, जिसे आपको और क्लियरिटी आने वाली है। चलिए यहां तक नोट कीजिएगा, क्या चार्ज आएगा पहले तो वो देखो, कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा। देखो H2O जीरो होता है, एक्वा बोलते हो, Mn जीरो चार्ज, SO4 पे माइनस टू, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा आपके पास में निकल के सेकंड आ जाता, क्लियर है। चलो अब देखो यहां पर एक्वा कितने, दो, क्या लोगे डाई एक्वा, यहां क्या है चार एमिन है, तो क्या बोलोगे डाई एमिन। अब देखो एक्वा होता है आपका ए की यू, एमिन होता है आपका ए एम आई एन ए, ये इसके लिखा जाता है। ए सेम है, ए सेम है, एम पहले आएगा अल्फाबेट के हिसाब से, क्या लिखोगे देखो ये SO4 माइनस टू, इसका मतलब ये नेगेटिव है, तो धनायन का नाम पहले लिखा जाएगा, इसका मतलब इसका नाम तो बाद में आने वाला है। क्या करोगे, टेट्रा एमिन लिखा, टेट्रा एमिन, ये क्या डाई एक्वा, एक ही लाइन में लिखोगे डाई एक्वा, टेट्रा एमिन डाई एक्वा लिखा। ये कॉपर है आपका, तो देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसके लिए नो चेंज, कॉपर सेकंड, और आ क्या रहा है इसके साथ में सल्फेट आ रहा है, ठीक है। चलो लिख दोगे नाम, ये देखो कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको क्या करना है अल्फाबेट का ऑर्डर ही फॉलो करना है। केंद्रीय धातु परमाणु आपका हो गया प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, सोडियम का प्लस वन होता है, इस प्लेटिनम का होता है एक्स, क्योंकि अपन को ज्ञात करना है इसका, इसका माइनस वन, इसका माइनस वन, और इसका माइनस वन, और इस पर होता है जीरो, ठीक है। बराबर क्या करोगे, जीरो के बराबर करोगे। अब देखो यहां पर करोगे तो वन प्लस एक्स, ये सब क्या जाएंगे आपके यहां पर इधर निकल के आएंगे, तो ये हो जाएंगे थ्री प्लस के, और एक्स बराबर क्या आने वाला है प्लेटिनम, यहां पर प्लस टू आने वाला है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। धनायन का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, एनायन का नाम बाद में लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धनायन का नाम सबसे पहले लिखो, धनायन कौन सा सोडियम, क्या लिखोगे पर सबसे पहले लिखोगे आप इसको सोडियम लिखोगे, ठीक है। पूरा कॉम्प्लेक्स लिखोगे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये जीरो, इसका मतलब ये कैसा होगा, प्लेटिनम को किसमें कन्वर्ट कर देते हो, प्लेटिनेट में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। क्या करोगे, नाम लिखोगे सोडियम, लिखा आ जाओ ब्रोमो क्लोरो, ऐसे लिखो ब्रोमो क्लोरो नाइट्रीटो या नाइट्रो, एक ही बात, और एमिन, अल्फाबेट से एमिन आएगा पहले, तो सोडियम एमिन लिखा, आ गया एमिन। फिर क्या करोगे, ब्रोमो एमिन ब्रोमो, ठीक है, यहां जगह नहीं है, लेकिन होप कोशिश ये करना कि ये एक ही लाइन में आ जाए पूरा नाम, इसलिए ये भी रूल है इसका ब्रोमो। फिर क्या करोगे, क्लोरो नाइट्रो, ठीक है, प्लेटिनेट प्लेटिनेट, और ये आपका सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको देखोगे तो देखो क्रोमियम होता है प्लस टू होता है, इसका ये जीरो ये जीरो, ये सेकंड स्टेट में आने वाला है। क्या करोगे, देखो कार्बोनिल फास्फीन सी पी बाद में, क्या पेंटा कार्बोनिल, पेंटा पेंटा कार्बोनिल लिखा आपने, चलो ये लिखने के बाद में आप क्या करोगे, इस वाले में ये ट्राई फेनिल फॉस्फीन है, इसको लिख दोगे एज इट इज, ट्राई फेनिल फॉस्फीन। फिर क्रोमियम है वो कौन से स्टेट में है, सेकंड स्टेट में, क्या कर दोगे क्रोमियम सेकंड, बस ये हो गया इसका नामकरण, क्लियर है यहां पर। चलो अब देखना आगे, यदि अपने पास में ऐसे कोई लिगेंड आ जाए मान लो जैसे एन एथिलीन डाइएथिन, तो आप उनका नाम जब लिखते हो तो उससे पहले बिस दो आने पर, तीन आने पर ट्रिस, चार आने पर टेट्राकिस, ये शब्द काम में लेते,
वो कब लेना है, जब आपके पास में कोई ऐसे लिगेंड हो, कैसे, जिनमें आपको यह देखने को मिले, यानी वो रिपीट हो रहे हो, मान लो जो एक दंतुक से अधिक दंतुकता रखते हैं, जैसे बहुदंतुक लिगेंड मान सकता हूं इनको, तो दो यदि आ जाते हैं तो उसके लिए शब्द का क्या काम लेना है, 20, तीन के लिए शब्द जो काम में लेना है वो लेना है आपको 30, चार के लिए शब्द लेना है वो क्या लेना है टेट्राकिस, पांच के लिए जो शब्द लेना है वो क्या लेना है पेंटाकिस, ये वर्ड आपको यहां पर काम में लेने है। अब मैं एग्जाम्पल बताता हूं आपको, उससे आपको समझ में आने वाला है, देखना एग्जाम्पल देखना, देखना कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं मैंने, इनका नामकरण करते हैं। तो देखना मैंने क्या बोला कि यदि एक दंतुकता से अधिक को दंतुकता रखते हैं तो इनके लिए आपको ये शब्द काम में लेने, तीन के दो के लिए 20, तीन के लिए 30, चार के लिए टेट्राकिस, पांच के लिए पेंटाकिस, ये वर्ड आपको यहां काम में लेने हैं। अब क्या करोगे, देखो ये क्लोरो लिखोगे पहले, ये नाइट्राइटो होता है, पता है ना नाइट्राइट, तो नाइट्राइटो और एथिलीन डाइएमीन होता है ये। तो देखो इसकी दंतुकता एक दंतुकता से ज्यादा है तो इसके लिए वर्ड कौन सा काम में लेने वाले हो, 20 काम में लेने वाले हो। तो पहले इसका नाम लिखोगे क्लोरो, ये मैंने लिख दिया यहां पर क्लोरो। अब देखो इसकी ये एथिलीन डाइएमीन होता है सी और ई, तो इसका नाम आएगा और नाइट्राइटो बाद में आएगा। इससे पहले शब्द कौन सा काम में लेना पड़ेगा आपको, 20, तो क्लोरो 20 लिखा, 20 एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाई, ये 20 आप ये लिख सकते हो कोष्टक में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये एथिलीन डाई एमिन को कोष्टक में लिख लेना, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो एथिलीन डाई एमिन को लिख लेना या इसको लिख लेना। चलो मैंने इसको लिख दिया एथिलीन डाई एमिन, क्योंकि इसकी दंतुकता क्या ज्यादा है, लिखा ये कैसा है नाइट्राइटो है, नाइट्राइटो, और ये प्लेटिनम है, सॉरी ये कोबाल्ट है। तो अब क्या करोगे, ये कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, -1 माइनस का 1 कितना हो गया 2 हो गया प्लस का, तो कोबाल्ट जो का त्यों लिखा जाएगा पॉजिटिव है, लास्ट में आयन लिखा जाएगा कोबाल्ट सेकंड आयन, बस ये नाम है इसका। इसमें देखो प्लेटिनम डाइक्लोरो 20 लगाओगे एथिलीन डाइएमीन, ये कैसा होता है नाइट्रेट होता है, कौन से स्टेट में होगा, -1 होता है ना चार्जेस पे, क्या करोगे डाइक्लोरो डाई क्लोरो लिखा। अब क्या लिखोगे 20 एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन नाइट्राइटो, सॉरी नाइट्रेटो, क्या लिखोगे नाइट्रेटो, प्लेटिनम -2, ये हो गया आपका क्या एथिलीन डाइएमीन है, ये प्लेटिनम है, तो देखो क्लोरीन तो क्या है आपका -2 है, क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है, ये -2 है, नाइट्रेट भी -1 होता है तो -2 टोटल योग करोगे प्लस कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा, तो नाइट्रेट प्लेटिनम, देखो ये कैसा है पीटी है, इसके लिए क्या ले लोगे आपका में? तो प्लेटिनम ठीक है, और ये कैसा है नाइट्रेट है, और ये कोऑर्डिनेशन क्वांटिटी के मान लो बाहर दे रखा है आपको, ऐसे दे रखा है,
तो क्या करोगे, प्लेटिनम। सेकंड नाइट्रेट, ऐसे ही आपको इसका नामकरण करना है। तो ये अपन ने आईपीसी नामकरण पढ़ा है, आपको कुछ नहीं लेना है काम में, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखना, हालांकि पूछा हुआ नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी मान लो ऐसे कोई कंपाउंड दे दिया आपको NH2, यहां NO2 दे दिया, यहां A है आपका कोई और यहां B है आपका कोई, ये जो जैसे ये दे रखे हैं, तो इनके लिए आपको ये, इनको बोला था ब्रिज संतुलन। क्या बोला जाता है? ब्रिज संतुलन। तो म्यू शब्द काम में, जैसे इसके लिए म्यू एमिनो काम में होगी, इसके लिए म्यू नाइट्रो काम में होगी, बाकी रूल वही फॉलो होने, बाकी रूल वही फॉलो होने हैं, बस इनके लिए जो ब्रिज संकुल होती है म्यू शब्द काम में लेना, म्यू एमिनो म्यू नाइट्रो, दो बार आएगा तो दो बार लेना पड़ेगा, ब्रिज संकुल में ऐसा होता। ये अपने आईपीसी नामकरण देखा है। अगले क्लास अपन बात करेंगे विलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स ऑल।